हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक यूनिक स्नैक्स रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी गोभी के पत्ते से, जिसका नाम है गोभी कटलेट। और आप इसमें अपनी पसंद के ढेर सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ही कम वेजिटेबल में ये कटलेट बनाया है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ फ्रेश पत्ता गोभी के 3 पत्ते लिए हैं। एक पतीला में हम पानी गरम करेंगे और इसमें हम गोभी के पत्तों को बॉयल करेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि हमारे गोभी के पत्ते अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ मीडियम साइज के 3 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे हमने मैश कर लिया है। एक गाजर कटा हुआ, थोड़ा सा बीट कटा हुआ, कटे हुए अदरक लहसुन और मिर्चा, बेसन, एक कटा हुआ प्याज, बादाम, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म करेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए, तब हम उसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए, तब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर कटे हुए अदरक लहसुन और मिर्चा डालेंगे और सबको भूनेंगे। फिर इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इसमें कटे हुए गाजर डालेंगे, फिर बीट डालेंगे और सबको भूनेंगे। फिर सब मसालों को डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सबको भूनेंगे। जब सब अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें मैश किए हुए आलू को डालेंगे और उन्हें अच्छे से मिला करके भून लेंगे। हमारा आलू का मसाला अब तैयार हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें बादाम डालेंगे और सबको फ्राई करेंगे। अगर आपको बादाम पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर फ्राई किए हुए बादाम के छिलके को हटाकर आलू के मसाले में डालेंगे और सबको इसमें अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे।
फिर हम इसमें थोड़ा सा काला जीरा डालेंगे, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर बॉयल किया हुआ गोभी का पत्ता लेंगे, फिर उसमें आलू के मसाले का एक गोल लड्डू बनाएंगे और गोभी के पत्ते के बीच में डालकर दबा देंगे और गोभी के पत्ते को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। आप इन्हें सावधानी से फोल्ड कीजिएगा, नहीं तो ये क्रैक हो जाएंगे। बाकी बचे गोभी के पत्तों में भी आलू के मसाले का एक गोल लड्डू बनाकर गोभी के पत्ते के बीच में डालकर दबा देंगे और गोभी के पत्ते को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। इस तरह गोभी के पत्तों में आलू का मसाला डाल करके हमने इन्हें फोल्ड कर लिया है। एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल करके उसे गर्म करेंगे। फिर फोल्ड किए हुए गोभी के पत्ते को बैटर में इस तरह से डीप करेंगे और गर्म तेल में फ्राई करेंगे। बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह बैटर में डीप करके रिफाइंड ऑयल में फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से पक जाए तब हम इसे पलट कर दूसरे साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये दोनों साइड से पक चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमारे गर्मा गर्म गोभी कटलेट तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं आपको इन्हें पलट के दिखाती हूँ कि ये दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं और इनमें कोई क्रैक भी नहीं आया है। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और सलाद के साथ सर्व करें, इसे सब पसंद करेंगे। सो गाइस, आप भी इसे घर पर ट्राई करें ताकि आपके टेस्ट में भी चेंजेस आए और आप सब इंजॉय करें। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।